अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जैसे आप देख रहे हो, ये है दुबई फ्रेम। एंड यहाँ से जो इतना ऊपर जाने के बाद आपको ओल्ड दुबई एंड न्यू दुबई दोनों देखने मिलेगा। तो चले जाते हैं अंदर और देखते हैं अंदर है क्या क्या। चलिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ओल्ड दुबई कैसा था। दुबई एक एक्चुअली पूरा रेगिस्तान था। तो दुबई डेवलप कैसे हुआ, वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसे बनी, एंड वो पहले कैसे दिखता था, अब कैसे दिखता है, तो यही सारा जो प्रोजेक्टर पे वो लोग शो कर रहे थे। एंड ये देखिए, आप एयरपोर्ट देख सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट बहुत ही छोटा था और अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो चले अभी देखते हैं अंदर क्या है। ये जो टनल है अल सिंधगा, ये पानी के अंदर से बनाया हुआ है एंड बहुत फेमस है दुबई में। तो अभी चलते हैं अंदर, बहुत रश थी एक्चुअली। तो चले जाते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। माशाल्लाह आप व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। एंड ऊपर जाने के बाद ही पता नहीं कैसा लगता है। चलो देखते हैं। इतनी हाइट पे तो मैं डेली जाता हूँ, लेकिन अभी मेरे कान बंद हुए। एक्चुअली हम आए थे शाम में, जब उजाला था, ऊपर आने आने तक रात होगी, तो इसलिए इतना क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है, पर बहुत ऊपर था। एंड ये वॉक करने के लिए ही बनाया है, बैठ नहीं सकते हैं। एंड ये व्यू देखो, ये जो है वो न्यू दुबई है, बुर्ज खलीफा दिख रहा है।
तो यहाँ पे मिजान जो है वो रेड बस थी नीचे बच्चों की, तो वो ऊपर से वो ढूंढ रहा था रेड बस है या नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था देखने के लिए। एंड वो जो लाइट है वो ब्लिंक होती है, मतलब आती है एंड अचानक चली जाती है, तो वो बहुत अच्छा था। एंड हमने वहाँ पे फोटोग्राफर्स थे, फोटोज़ क्लिक किए हमने बट बहुत ब्लर थे, लाइक उतना वर्थ नहीं था पैसा दे के फ़ोटो लेना। तो फिर जब आईफोन है तो फोटोग्राफर की क्या ज़रूरत, तो फिर हमने अपनी फ़ोटोज़ लिए एंड बस एंजॉय किया, अच्छा था, जितना भी था अच्छा था। तो वहाँ पे ओल्ड दुबई जो था वो इतना दिख नहीं रहा था बिकॉज अंधेरा हो गया था। एंड ऑफ कोर्स न्यू दुबई आपको दिखाया मैंने जहाँ बुर्ज खलीफा था, तो वो सच में देखने लायक था, वो जो व्यू था, लाइट्स इतनी लाइट्स थी। तभी हम आ गए हैं नीचे एंड नीचे भी शॉपिंग वगैरह के लिए था, लाइक मैग्नेट्स थे तो मैंने भी एक मैग्नेट लिया, फ्रिज मैग्नेट। एंड बस यही था आज का व्लॉग एंड आई होप आपने एंजॉय किया हमारे साथ, दुबई फ्रेम घूम लिया। तो ये बहुत ही अंदर अच्छा इंटीरियर उन्होंने किया था बट जैसे ब्लू लाइट से फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे अभी आप मिजान को उसके अब्बू ने इंडियन 20 रुपीस दिए एंड वो पूरा कोशिश कर रहा है कि बस वो मशीन वो 20 रुपीस ले ले, बट वो 10 दिरहम जो है वो डालना था। बेचारा मेरा बच्चा, मासूम बच्चा, उसको येड़ा बना दिए। तो फाइनली उसका चेहरा एकदम उतर गया था, तो अभी हम 10 दिरहम्स डालते हैं और देखते हैं आता क्या है। वैसे वो इतना सा कोई कॉइन है, गोल्ड कॉइन, मैंने बोला है मुझे 10 दिरहम्स दे दो, मैं मैग्नेट ले लेती हूँ दूसरा, पर नहीं, मिजान को वो 10 दिरहम्स मशीन में था तो उसने मशीन में ही डाल के वो 10 दिरहम चले गए, चलो जाने दो। एंड उसके बाद ऑफकोर्स वो कॉइन के बारे में उसने पूछा ही नहीं। तो अभी हम निकल चुके हैं एंड रात में बहुत अच्छा दिखता है दुबई फ्रेम, देखिए कितना अच्छा प्यारा दिख रहा है। बस अंदर से व्यू का जो था वो दिन में ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो चलो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दुआ में ज़रूर याद रखना एंड अल्लाह हाफिज़।